हंसना हंसना तो खत्म ही हो गया, पैसा खत्म, सब खत्म हो चुका है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद जा रहा हूँ मैं मैच में, 16-17 दिन हो गए, तो आज आपको मिलते हैं ग्राउंड पे। आज 17वां टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, राधिका कप मेमोरियल ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट। आज का मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा M10 और रविंद्र जीनपुर के बीच में। टोटल मेरी बेटी के नाम से जो 2003 में एक्सपायर हुई थी, तो उसके नाम से 17वां एडिशन 17वां टूर्नामेंट है ये जो मैं करवा रहा हूँ। अब टॉस का टाइम हो गया है, थोड़ी देर का मौन रखा था, तब तो टॉस का टाइम है, तो हमारे बीच में दोनों कैप्टन आ चुके हैं। आज फिर राघव बख्शी सर आ गए और टॉस कराएंगे। सर बता देना सारा, बीच हमारे अंपायर आज चेंज हुए हैं, पंछी उड़ गए थे, इनको पकड़ के लाया गया है, ये 8 महीने से गायब थे, अच्छे अंपायर हैं ये भी, और साथ में हमारे गोद लिए हुए ये फिर से इस टूर्नामेंट में। तो ये कैंटीन की तरफ दोनों अंपायर जा रहे हैं और मैं भी इनके साथ ही चल रहा हूँ। ये आई फील्डिंग आई है रविंद्र जीनपुर की, और आज थोड़ी सी टीम चेंज लग रही है मुझे यहाँ पे, दो तीन प्लेयर आज कम है। स्टार्ट होने वाला है और अंपायर चल पड़े हैं अंदर की तरफ और मैं इनको लेके जा रहा हूँ क्योंकि बाहर ना आ जाए, 40 ओवर का मैच है, तो दोनों जा रहे हैं, दोनों टीमें तैयार हैं। पहला मैच राधिका कप का, 17वां टूर्नामेंट है ये, राधिका कप मेमोरियल क्रिकेट लीग जो पिछले मैं 17 साल से करवा रहा हूँ, 17वां टूर्नामेंट है। तो अंपायर चल पड़े हैं अंदर, इनको छोड़ के आ रहा हूँ मैं आज। पंडा जी द्वारा बनाई हुई दिल्ली 6 से आए हुए हैं ये, और बड़ी शानदार चाय बनाई है इन्होंने, कड़क चाय, और इसका आप टेस्ट देखेंगे, दिख तो अच्छी रही है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो यहाँ पे भी टूर्नामेंट कराते हैं ना, और उनको ये चाय और ब्रेड पकौड़े वगैरह, ब्रेड पकौड़े नहीं, सैंडविच वगैरह जो फ्री में देते हैं। मैं अमित भाई का धन्यवाद करता। तो ये अमित भाई हैं, आप ये नए फ़ोन में कैमरे में भी चमक मार रहे हैं और मेरी वीडियो भी आजकल सही बन रही है, नया फ़ोन लिया मैंने, ये वाला बड़ी मुश्किलों से लिया है, कर्जे उठा उठा के लिया भाई, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। दोनों अंपायर अंदर रहते हुए इन्होंने ड्रिंक्स करवा दिया, बहुत बढ़िया आदमी है, फिर मैं कैंटीन से इनकी वीडियो बना रहा था, दोनों आ गए हैं। तो आज मैच चल रहा है, काफ़ी दिन के बाद मैच शुरू हुआ है, तो देखते हैं कितने दिन चलता है, जैसे शुरू कराते हैं बारिश शुरू हो जाती है, तो सारे ग्राउंड इस समय हरे और घास बड़ी हो रखी है, सब कुछ बड़ा हो रखा है इस समय। एक इनिंग खत्म हो गई है, M10 ने 208 रन का टारगेट दिया है, 40 ओवर में 39.5 में आउट हो गए थे, ऑल आउट हुई टीम। मैच और लंच टाइम इस समय आधे घंटे का लंच, और लंच में बना है राजमा चावल और रायता। तो ये छोटे से पेट के साथ हमारे विपिन गुप्ता DDC स्टेट पैनल अंपायर हैं ये, और अभी इन्होंने मैच खिलाए थे, गर्ल्स के ट्रायल मैच खिलाए थे, और हंसना हंसना तो ख़त्म ही हो गया, पैसा ख़त्म, सब खत्म हो चुका है, और इनकी हालत ऐसी है कि अब क्या करें। कोई भी अगर चाहे तो हम अंपायरिंग के लिए बुला सकते हैं, 1200 रुपये लेते हैं, 200 रुपये कमीशन भी देते हैं। हमारा खाना तैयार हो चुका है इस समय, राजमा चावल और रायता बिल्कुल तैयार, और टीम बिल्कुल तैयार है। ये हमारे नौरव शर्मा है, ये नया ढाबा यहाँ पे सबको, ये नया ढाबा छतर में है, तो सबको भाई मैंने ये दुकानदारी शुरू की है, पर किसी ने भी खाना हो तो छतर में आके मेरे से कैंटीन में आके खा सकते हैं।
ऑर्गेनाइजर्स के लिए खाना है शम्मी फतवा के लिए, जो ये अपने लिए क्या प्लेट भरी है, स्टील की प्लेट इन्होंने दी है, पैसे भी तो देने हैं मैंने यहाँ पे, पूरी मेहनत करनी है तो उसके पैसे नहीं लोगे क्या? तो आप बोलो, आप बोलो। पैसा ही नहीं है, लॉकडाउन में इन्होंने पैसा ले लिया, रोज का पैसा दो इनको। तो अपन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बाद अंपायरिंग करी है, हालत एकदम डाउन वाली हो गई है, अभी तो 40 और दूसरे इनिंग के हैं, देखते हैं क्या होता है। गिरना नहीं है क्योंकि दूसरा है भी नहीं। में तैयार हैं इस समय अंदर जाने के लिए, 208 रन का चेस करना है इनको, जो M10 ने बनाया 207 रन। तो फील्डर अंदर हैं इस समय, बैट्समैन अंदर जाने के लिए तैयार हैं, तो बैट्समैन भी रेडी है, फील्डर भी रेडी हैं, और अभी बस 5 मिनट में दूसरी इनिंग शुरू होगी। दूसरी इनिंग में 208 रन बनाने हैं अगर रविंद्र जिनपुर ने जीतना है तो ये भाविक आज इनकी बैटिंग आ गई है, क्योंकि आज रविंद्रा क्रिकेट एकेडमी के प्लेयर जल्दी जल्दी आउट हो गए हैं, 6 आउट हो चुके हैं, भाविक तैयार है, ये हर बार की तरह इन्होंने जाना है। और कितनी देर खेलेगा बेटा? ये नोट आउट, पिछली बार भी नोट आउट आया था, इसने तीन बोले खेली थी क्योंकि लास्ट पे गया था, तो इस बार इसकी ज़रा प्रमोशन हो गई है सड़के की, क्योंकि यार इसने फीस अपने टाइम पे मुझे लग रहा है दे दी है, और झटका लग गया, और भाविक की बैटिंग आ ही गई है, और ये जा रहे भाविक कौन जा रहे हैं आउट। गोपाल सिंह रावत, एक दिन इन्होंने मुझे बहुत डांट मारी थी, अगले दिन ये ठीक हो गए थे, आज इन्होंने फिर पंगा लिया मेरे साथ। बाकी आदमी बहुत बढ़िया, देखो हिसाब पूरा इनका रहता है, शाम को अभी यहाँ पे ये लेने नहीं आते, आप पैसे दे के जाते हैं अमित को, कई बार तो इन्होंने दिए। ये अमित इन्होंने बहुत तंग कर रखा है आज, इन्होंने राजमा चावल बहुत बढ़िया बनवाया, और ये हमारे शेफ आज इनको बड़ी तारीफ मिली है, और इनके लिए मैं एक ट्रॉफी लेके आऊँगा वैक्सीन लगवाने के एक हफ्ते बाद, तो आपको ट्रॉफी ज़रूर मिलेगी वो। तो आज इन्होंने 5 विकेट लिए, सुहाश ने 5 विकेट लिए 25 रन दे के, और आज के मैन ऑफ द मैच बने हैं पहले पैच के राधिका कप के, और थैंक यू वेरी मच बेटा। तो वो आज आपने 5 विकेट लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आपने 5 विकेट लिए, कुछ टूर्नामेंट के बारे में बताइए, कैसा आपको लगा कि खाना अच्छा था, सब ठीक था? तो इस टूर्नामेंट में 2 बोले यूज हो रही है, तो आपको अच्छा भी लगा होगा, बॉल पुराना नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच। दोनों आज फाइटर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच, और आज पहला मैच हमारा ख़त्म हो गया, और मेरा भी आज ब्लॉग यही क्रिकेट के साथ ही ख़त्म होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार देते रहे मुझे, थैंक यू, फिर आपसे मिलते हैं, कल मिलेगा मेरा घर का ब्लॉग, और फिर परसों मैच है। बहुत बढ़िया मैच हुआ, पहली बात तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है हर साल राधिका मेमोरियल क्रिकेट कप, लेकिन आज बहुत टाइम बाद अंपायरिंग करी है, हालत एकदम डाउन हो गई है, वो दिख रही है पसीने बह रहे हैं तो से आपको दिख रहा होगा, आज बहुत हालत डाउन हो गई है, अब घर जाके थोड़ा रेस्ट करना है।